वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो होने वाला है हेयर केयर रूटीन पे। और जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर किया था अपने हेयर कलरिंग के टाइम पे कि मैं हेयर केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करती हूँ वीकली बेसिस पे, और मैं जो हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग विच आई डू इज बिफोर डूइंग एनीथिंग, मैं अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ रात में, बेसिकली फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट, और उसको ओवर नाइट छोड़ती हूँ। मुझे वो 2 आवर्स ऑयलिंग वाला कंसेप्ट अच्छा समझ में नहीं आता नहाने के पहले, तो मैं रात भर के लिए ऑयल करती हूँ और रात भर के लिए ऑयल करके छोड़ देती हूँ अपने बालों को। उसके बाद मैं सुबह अपने बालों को अच्छे से वॉश करती हूँ माइल्ड शैम्पू और माइल्ड कंडीशनर से, देन आई यूज पैक्स। अब मैं वीक में 2 बार वॉश करती हूँ तो मैं वीक में 2 बार पैक लगाती हूँ। डिपेंड करता है आप कितनी बार वॉश करते हैं, लेकिन आप पैक 2 बार लगाएंगे दैट विल बी सफिशियंट फॉर यू। 1 बार भी लगाएंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है दैट विल ऑल्सो बी सफिशियंट फॉर यू। सो आई विल जस्ट शेयर कि मैं कौन से 2 पैक लगाती हूँ। मैं एक वीक में होममेड पैक लगाती हूँ अपने बालों पे और एक लगाती हूँ रेडीमेड। सो जो होममेड पैक है वो बेसिकली मैं यूज करती हूँ वेरी कॉमन, आप सबको पता होगा, दही, माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, दही और एग। राइट नाउ मेरे पास एग नहीं है और मैं काफी टाइम से एग यूज भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे उसकी स्मेल आजकल बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं एग नहीं यूज कर रही। तो सिर्फ मैं योगर्ट यूज करती हूँ और उसके साथ में लेमन डाल के यूज कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप हनी भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे हनी बहुत ही स्टिकी लगता है बालों में और मैं हनी नहीं यूज करती, सिर्फ और सिर्फ सिंपल योगर्ट और लेमन। लेमन आपके बालों से डैंड्रफ और कुछ भी इन्फेक्शन सारी चीजों में हेल्प करता है, फिजीनेस सब में हेल्प करता है, और योगर्ट की तो अपनी बहुत सारी क्वालिटीज है। नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ एक रेडीमेड पैक बेसिकली संडेज और जब मैं वीकेंड पे अपने बाल वॉश करती हूँ। इट्स इजी कि आप फटाफट आपने निकाला और लगा लिया अपने बालों पे। सो मैं यूज करती हूँ दिस वन फ्रॉम मामा अर्थ, दिस इज मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क। मैं इसे यूज करती आ रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और मुझे बहुत पसंद है मामा अर्थ के फेस पैक्स बेसिकली, सॉरी हेयर पैक्स। सो दिस अगर आप देखें तो मैं ये ऑलमोस्ट पूरा टब यूज कर चुकी हूँ और अभी भी इससे भी पहले मैं इसके कई सारे टब यूज कर चुकी हूँ। डिपेंड करता है मेरे बालों पे कैसी प्रॉब्लम है। राइट नाउ मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं तो मैं यूज कर रही हूँ दिस अनियन, और अगर मेरे बाल प्रॉपर रहते हैं तो फिर मैं इसके और वर्जन भी यूज करती हूँ। और अगर मेरे बाल इसके 3 वर्जन आते हैं बेसिकली, 1 इज आर्गन ऑयल हेयर मास्क, 2nd वन इज अनियन मास्क एंड 3rd वन इज टी ट्री ऑयल। सो मैं इन तीनों में से स्विच कर करके यूज करती हूँ। अभी मेरे पास अनियन वाला है, मैं इसे यूज कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स और जब तक यूज करूंगी जब तक मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो राइट इन द वीडियो और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। गाइज आज मैं यूज करने वाली हूँ दोनों हेयर मास्क जस्ट फॉर यू टू शो यू गाइज कि आपको दोनों में से कौन सा फीजिबल है और कौन सा आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं अपने बालों के इस पोर्शन में लगाऊंगी होममेड पैक और इस पोर्शन में लगाऊंगी रेडीमेड पैक। जस्ट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मेरे बाल सेमी ड्राई हैं, मैंने शैम्पू किया था शार के टाइम पे तो सेमी ड्राई है। आप पूरे ड्राई बालों पूरे वेट बालों पे ही लगाएं और सेमी ड्राई बालों पे भी लगा सकते हैं। ओके सो सबसे पहले ये होममेड पैक अपना बना लेते हैं। इतना दही विल बी सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट फॉर मी। इसमें मैं यूज करूंगी 1 स्लाइस लेमन। गर्ल्स डोंट फॉरगेट टू ऑयल योर हेयर बिफोर शैम्पू, क्योंकि आपके बाल जितनी भी ड्राइनेस होगी और ऑयल से बेस्ट चीज कुछ नहीं है आपके बालों के लिए।
not even these packs. Oiling is the best thing you can do and you can give your hair. So I suggest कि आप oiling week में एक बार जरूर करें. मुझे oil बिल्कुल नहीं पसंद है, but still I use, मैं week में एक बार इसको use करने की जरूर कोशिश करती हूँ. Okay, so let's start. इस साइड पे मैं अपना दही वाला पैक लगा रही हूँ. So this is from Mamad Onion Hair Pack. Smells amazing. और ये धुलने के बाद भी दो दिनों तक आपके बालों पे रहता है और यही मुझे इसकी best part लगती है, because what can be better than smelling good? सो गर्ल्स, मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया आफ्टर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स और सीरम लगा लिया है बालों पे, कंडीशन कर लिया था आफ्टर वॉशिंग. आप इसके बाद कंडीशनर यूज करें ना यूज करें आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज हेयर मास्क में ही बहुत सारा कंडीशन होता है. सो रिजल्ट्स की बात करें तो बालों में दोनों ही साइड अभी मेरे बाल वेट हैं तो बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा है, बट एज आई कैन क्लियरली सी कि बाल बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत फिजी फिज फ्री हो चुके हैं. दोनों साइड में मुझे एक डिफरेंस लग रहा है कि इस तरफ के बाल थोड़े ज्यादा स्मूथ हैं. ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं लाइक सम ऑयल्स और लेट मी सी. इसमें अगर मैं आपके सामने की इंग्रेडिएंट्स पढ़ दूं तो बेसिक इसमें की इंग्रेडिएंट्स हैं रोजमेरी ऑयल, अनियन ऑयल, ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर, कोकोनट ऑयल, या एंड सम अदर एसेंशियल्स. सो ये इसमें अलग से ऑब्वियसली ये रेडीमेड है तो इसमें कुछ अदर एसेंशियल्स ऑयल्स भी होंगे एज आई सेड. सो ये वाला पोर्शन ज्यादा सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू दिस, बट दिस इज ऑल नेचुरल. और योगर्ट में अपने अलग से मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, सो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बस इस ये थोड़ा ज्यादा कंपेरेटिवली स्मूथ और अच्छा फील हो रहा है रिगार्ड कंपेयर टू दिस. आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. होम मेड वन वॉज वेरी ईजी एंड ईजी टू यूज. आप एग यूज करिए, एग वाइट यूज करिए, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा और क्या यूज करना चाहते हैं. सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए और मिलते हैं आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ. अल्टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी. बाय बाय.